microwave tension, H-plane and E-plane T-injection. सबसे पहले हम देखेंगे कि microwave क्या होता है. ये एक hollow metallic tube होती है, जिसपे एक cross-section area होता है, जिसमें से हम अपने electromagnetic waves को transmit करते हैं. और ये wave उसकी inner wall से टकरा के हमें output पे signal produce करती है. उसे हम waveguide बोलते हैं. अगर एक microwave को हम split करते हैं, यानी अगर हमें अपने signal को two parts में split करना है, तो उस माइक्रोवेव को हम एक पर्टिकुलर स्लॉट से काट के उसकी जगह दूसरी माइक्रोवेव लगा देते हैं, जिसको हम माइक्रोवेव जंक्शन बोलते हैं. और इस तरह हम दो या दो से ज़्यादा सिग्नल्स को अचीव कर सकते हैं. और जो हमारा टी जंक्शन होता है, वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट टी की तरह होता है, जिसको हम काट करके बनाते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एच प्लेन की, कि हमारा एच प्लेन क्या होता है. सबसे पहले वेव गाइड, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये होलो मेटेलिक ट्यूब है, जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट की जाती हैं, जो कि इनर वॉल से टकरा के हमें आउटपुट पे सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं. उसे वेव गाइड बोलते हैं. हमारे जैसे कि ये हमारी एक वेव गाइड है, इसके टू पोर्ट्स हैं. ये हमारा है पोर्ट वन, ये है हमारा पोर्ट टू. ये हमारी सिंपल वेव गाइड है. अगर हम बात करें हमने एच प्लेन की, कि हमारा एच प्लेन टी जंक्शन क्या होता है, तो हमारा जो एच प्लेन टी जंक्शन होता है, वो बनता है कि अगर हम अपनी इस वेव गाइड को उसके रेक्टेंगुलर स्लॉट से कट कर दें, उसकी विड्थ से, यानी कि जो हमारी जो वेव गाइड है उसकी विड्थ से एक रेक्टेंगुलर स्लॉट से उसे कट कर दें, और काट के उसकी जगह एक वेव गाइड जोड़ दें कुछ इस तरह से. इसको हम एच आर्म बोलेंगे. और ये इस तरह हमारे एक और पोर्ट प्रोड्यूस होगा, जिसे हम बोलेंगे पोर्ट थ्री. ये है हमारा एच प्लेन टी जंक्शन. ये हमारी एच आर्म होती है. और अगर हम ई प्लेन टी जंक्शन की बात करें, जैसे कि ये हमारी सिंपल माइक्रोवेव है, जो है पोर्ट वन और पोर्ट टू. अगर हम इस वेव गाइड को, जो ई प्लेन टी जंक्शन होता है, वो उसको हम रेक्टेंगुलर स्लॉट से काटते हैं उसकी ब्रेड से. अगर हम अपनी माइक्रोवेव को उसकी ब्रेड से काटेंगे और उसकी जगह एक दूसरी माइक्रोवेव लगा देंगे, एच प्लेन को हम उसके रेक्टेंगुलर स्लॉट को उसकी ब्रेड से काटते हैं और इसको हम उसकी ब्रेड से काटते हैं कुछ इस तरह से. और इस तरह से हमारा एक और पोर्ट प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारा होगा पोर्ट थ्री. और ये आर्म हमारी ई आर्म होगी. ये है हमारा ई प्लेन. अगर हम इसकी वर्किंग देखें कि ये वर्क कैसे करता है, तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा. जो हमारा पोर्ट वन और पोर्ट टू है, ये हमारी कोलिनियर आर्म्स हैं, और पोर्ट थ्री हमारी ई आर्म है. अगर हम कोई भी सिग्नल इनपुट करवाते हैं अपने पोर्ट थ्री से, हाँ, जैसे कि हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में सिग्नल सेंड होता है. इनपुट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में सिग्नल सेंड करते हैं, और ये सिग्नल जब हम सेंड करते हैं, तो ये सिग्नल टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है हमारी फर्दर माइक्रोवेव में, जो हमारी कोलिनियर आर्म है इसमें, जो कि दो, इससे हमें दो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते मिलते हैं, जो कि 180 डिग्री के फेस शिफ्ट पे मिलते हैं. और इनके दोनों साइड से हमें दो आउटपुट मिलती हैं, पोर्ट वन और पोर्ट टू के थ्रू, और दोनों में 180 डिग्री का फेस शिफ्ट होता है. और इस तरह हम एच प्लेन और ई प्लेन का यूज़ करके हम अपने सिग्नल को टू या टू से मोर पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं. और अगर हम ऐसा करते हैं कि हम पोर्ट वन और पोर्ट टू से सिग्नल सेंड किया है, तो हमें पोर्ट थ्री से एक ही सिग्नल मिल सकता है. कंबाइन होके हमें पोर्ट थ्री से एक सिग्नल मिलेगा, जो कि हमारे सिग्नल को मिक्स करके हमें आउटपुट तक पहुंचाएगा. ये है हमारा ई प्लेन टी जंक्शन. वैसे तो ये चार तरह के होते हैं, एक मैजिक टी भी होता है और एक रैट रेस भी होता है. इनको जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए माइक्रोवेव टी जंक्शन मैजिक टी एंड माइक्रोवेव टी जंक्शन रैट रेस टी जंक्शन.
थैंक यू, ये है हमारा माइक्रोवेव टी जंक्शन, एच एंड ई प्लेन टी जंक्शन, थैंक यू।